इसने मेरी आंखों से काजल निकाल के ना मेरे कान के पीछे टीका लगा दिया और कहा किसी की नजर ना लगे। बट हाउ कैन ही डू दिस? कुछ गलत किया। अच्छे दिल से किया हुआ कोई भी काम कभी गलत नहीं होता। ठीक है राखी माँ, आप भी इसी की साइड लो। नहीं नहीं, मुझे बात ऐसी नहीं बात नहीं है प्रीता, सुन तो। ये ऐसी है, कड़वी करेली जैसे बातें करती है हमेशा ये। करण भी प्रीता के लिए बिल्कुल ऐसे ही बात करता था। हेलो लो, करण भी ऐसी बातें करता था, मैं भी ऐसी बातें करता हूँ, मतलब ये है कड़वी करेली, ये ऐसी ही है। करण जब मेरी कोई बात नहीं मानता था और मैं उसे जोर से डांट देती थी वो मान जाता था। आज अर्जुन भी मुझे नाना तो किए जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उससे ऊंची आवाज में बात की वो मान गया, बिल्कुल करण की तरह। क्या हुआ, इतने उदास क्यों लग रहे हो? चांद को इतनी उदास नजरों से देखोगे तो फिर चांद भी उदास हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी बोल रहा है तू। नहीं, सच कह रहा हूं मैं। आपको पता नहीं है, चांद और प्यार का पुराना रिश्ता है। जब भी किसी का दिल टूटता है ना, तब वो चांद को देखता है, और जब भी किसी का दिल जुड़ता है तब भी वो चांद को देखता है। न जाने कितने लोगों का आज दिल टूटा होगा और वो चांद को देख रहे होंगे, और न जाने कितने लोगों का दिल जुड़ा होगा और वो चांद को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कंपेयर कर रहे होंगे। वो आपने गाना तो सुना होगा, चांद सी महबूबा मेरी। तुझे देख के लगा नहीं था कि तू चांद, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते नाते इन सब की बातें कर सकता है। लोग कहते हैं कि जब कोई ऐसी बातें करता है ना तो उसे पागल कहते हैं, लेकिन तेरा ये पागलपन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसने मुझे हंसा भी दिया और थोड़ा मायूस भी कर दिया। बेटा, जब मैं चांद को देखता हूं ना तो एक्चुअली चांद को नहीं देखता, उसके आसपास जो सितारे रहते हैं ना उनमें अपने कर्म को ढूंढता होता, पर वो मिलता नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन जब तुझे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कर्ण मेरे सामने खड़ा है। तुझमें और कर्ण में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।